सालिस 4 जुलाई 1556 को मलेशिया में पैदा हुए। सुल्तान सलीम सानी की वफात के बाद 22 दिसंबर 1574 को मुराद सालिस 28 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 91वें खलीफा थे। सल्तनत उस्मानिया के कानून और फतवे के मुताबिक आपने अपने 5 भाइयों का कत्ल कर दिया ताकि सल्तनत में इंतशार से बचा जा सके। अमूर सल्तनत को संभालने के बाद आपने शराब नोशी पर पाबंदी लगा दी क्योंकि अवाम और फौज में शराब नोशी का रुझान आम हो चुका था, लेकिन फौज ने बगावत कर दी और आपको मजबूरन ये पाबंदी हटानी पड़ी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फौज कितनी मुज़ोर हो चुकी थी और मुल्क में कमज़ोरी के आसार शुरू हो गए थे। सुल्तान मुराद सालिस के अहद में जो लड़ाइयाँ पेश आईं उनमें उस्मानी फौजों को अहम और नुमाया फतवाहत हासिल हुईं और दौलत आलिया के मकबूजात में कीमती इजाफे हुए। इस अहद की सबसे बड़ी जंग ईरान की जंग थी, जिसका सिलसिला 1577 से 1590 तक कायम रहा। 1576 में शाह तमासब का इंतकाल हो गया और उसकी वफात पर तख्त सल्तनत के लिए ईरान में जो अंदरूनी खलफशार बरपा हुआ उससे दौलत उस्मानिया ने फ़ायदा उठाना चाहा और लाला मुस्तफ़ा पाशा उस्मानी फ़ौजों के साथ जॉर्जिया पर हमलावर हुआ, जो ईरान की हलीफ ममलकत थी, और इसके पाया तख्त को फतह करके पूरे जॉर्जिया पर कब्ज़ा कर लिया। 1583 में उस्मान पाशा की सरबराही में एक लश्कर दागस्तान रवाना किया गया। उस्मान पाशा ने दागस्तान को फतह कर लिया और इसके बाद अपने अगले हदफ के लिए क्रीमिया के शहर काफा पहुंच गए, जहां के बागी सरबराह मोहम्मद कराही, जिसने उस्मानी फ़ौज की मदद से इनकार किया था, से मुकाबला किया। 1584 में इस जंग में मोहम्मद कराही मारा गया। उस्मान पाशा ने मोहम्मद कराही के भाई इस्लाम कराही को क्रीमिया का सरबराह मुकर्रर किया और बागी मोहम्मद कराही का सर लेकर कस्तनतुनिया पहुँचे, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बाद उस्मान पाशा को 160,000 फौज के हमरा तबरेज़ पर हमले के लिए भेजा गया। यहाँ ईरानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और तबरेज़ उस्मानियों ने फतह कर लिया। उस्मान पाशा सेहत की खराबी की वजह से आगे ना बढ़ सके। इसके बाद 6 साल तक मुसलसल ईरानी और उस्मानी फ़ौजों में लड़ाइयाँ होती रहीं। इसी दौरान उस्मान पाशा का इंतकाल हो गया। 1590 में जब शाह अब्बास ईरान का नया हुक्मरान बना तो उसने सल्तनत उस्मानिया से सुलह कर ली, जिसकी रूह से जॉर्जिया, आज़रबाईजान का एक हिस्सा, शहर तबरेज और ईरान के कुछ इलाके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा करार पाए। वज़ीर आज़म सुकुलीली पाशा, जो सुल्तान सलीम के बहुत माविन साबित हुए थे, आपने सुल्तान मुराद के दौर में भी सल्तनत के अमूर चलाने और इसकी तोसी में नहायत अहम किरदार अदा किया, लेकिन अभी सुल्तान मुराद को तख्त नशीं हुए सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे कि आप सुल्तान के हाशिया नशीनों की साजिशों की नज़र हो गए और वज़ीर आज़म सुकुलीली पाशा को अक्टूबर 1578 को कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मौत एक बहुत बड़ा सानिहा और एक बहुत बड़ा अलमिया थी। सुकुलीली पाशा के कत्ल के बाद ही सल्तनत में बदनज़मी का दौर शुरू हो गया। यके बाद दीगरे 10 वज़रा वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुकर्रर किए गए। वज़ीर आज़म की इन तब्दीलियों में हरम का बहुत दखल था और वही वज़रा इस ओहदा को हासिल कर सकते थे जिन्हें हरम की सरपरस्ती हासिल थी। नतीजतन रिश्वतानी का बाज़ार गर्म हो गया और सिर्फ वही उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने लगे जो बड़ी बड़ी रकमें पेश करते थे। रिश्वतानी की इस मोहलिक वबा से हुकूमत का कोई शोबा महफूज ना रह सका, यहाँ तक के फौजी, अदालती और इंतजामी ओहदों में भी उम्मीदवार की ज़ाती काबिलियत के बजाय उसकी पेश करदा रकम की सिफारिश कबूल की जाने लगी, जिसकी वजह से सल्तनत की ताकत कमज़ोर हो गई। फौज के कई दस्ते बागी हो गए, लेकिन हुकूमत में यह सख्त नहीं थी कि वो इस बगावत को फ़रोग करती। सबसे ज़्यादा इंतशार यनीचरी की खुदसरी से पैदा हो रहा था। इत्तफाक से इसी ज़माना में हंगरी और ऑस्ट्रिया से
जंग छिड़ गई और यनिचेरी को सल्तनत के बाहर भेजने का मौका हाथ आ गया। इब्तदा में उस्मानियों को कामयाबी हुई, मगर सिसक के मुहासरा में उस्मानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रिया ने कई मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस मौका पर सन्नान पाशा को वहाँ से जंग पर रवाना किया गया। सन्नान पाशा ने इन किलों को दोबारा फतह कर लिया। 1594 में मोल्डिविया, वलाइचिया और ट्रांसिल्वेनिया ने बगावत करके ऑस्ट्रिया से इतिहाद कर लिया और अपनी ममलकतों के तमाम मुसलमान बाशिंदों को कत्ल कर डाला। सन्नान पाशा ने ऑस्ट्रिया वालों की तरफ पेशकदमी की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई और उस्मानियों को कई शहरों से हाथ धोना पड़े। सुल्तान मुराद ने जिस वक्त तख्त संभाला था, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रकबा 1,51,93,000 किलोमीटर था। आपके दौर में सल्तनत उस्मानिया का रकबा 1,99,02,000 किलोमीटर तक जा पहुंचा। सुल्तान मुराद इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार सुल्तान थे। आपका तसव्वुफ की तरफ खासा रुझान था। तसव्वुफ में आपकी एक मशहूर तसनीफ फतुहात सयाम है। आप एक अच्छे शायर भी थे। एक रोज़ आपकी फजर की नमाज के लिए आँख ना खुली तो आपने एक बहुत मशहूर नज़म लिखी, जिसमें आपने नमाज कज़ा होने पर रंजो गम का इजहार किया। सुल्तान मुराद ने 16 जनवरी 1595 को 49 साल की उम्र में इंतकाल किया। आपको इस्तांबुल में आया सोफिया मस्जिद के पहलू में दफन किया गया।